आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं। केंद्र सरकार का रुख महत्वपूर्ण होता है, टैक्स रेवेन्यू के महत्वपूर्ण अधिकार भी केंद्र के पास में हैं। हियर इन सेंट्रल टैक्सेज का ट्रांसफर पहले महीने की पहली तारीख को होता था, पिछले साल से जो सिस्टम बदला केंद्र में 20 तारीख के आसपास होने लगा है, उससे राज्यों को तकलीफ आई है। अभी मैं खुद गया था वित्त मंत्री महोदय के पास में दिल्ली में, हमने मांग करी है 1 तारीख को तनख्वाह चुकाई जाती है, अधिकांश पेमेंट होते हैं, वहाँ पे पहले सिस्टम आना चाहिए, ये हमारे लिए समस्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप केंद्र में सरकार आपकी है, हम चाहेंगे कि पहले मैंने कहा आपको, आप भी जब दिल्ली जाएं तो आप जा करके कृपा करके हमारी भावना पहुँचाएँ, आप कहेंगे तो हम आपके संग चलेंगे, वैसे आप मुझे पता के साथ ले जाओगे नहीं, आप मुझे जब मैं अस्पताल में नहीं आ सका आपने मिलने के लिए अहमदाबाद में, तो आप मुझे कैसे ले जा सकते हो, आप बीमार थे। मैंने कहा मैं जाके कम से कम गुलाब कटारे जी बड़े सीनियर नेता राजस्थान के हैं, बीमार है, मैं जो हमारी संस्कृति संस्कार राजस्थान के जाके मैं पूछ लूँ उनकी तबीयत कैसी है, अभी आपने कहा नहीं जूत नहीं आने की, मैं ठीक हो गया हूँ। ये भय है, ये भय देश भर में है, खाली आपकी पार्टी में नहीं है, आपकी पार्टी में लोग बोलने लग गए थोड़े बहुत, तो शुरू हो गया है, दो लोग राज कर रहे हैं, दो लोग राज कर देश के अंदर, ऐसा कभी होता नहीं लोकतंत्र के अंदर। चुनाव जीत गए बहुत बड़ी बात है, चुनाव जीतना कितनी बड़ी बात होती है, भारी बहुमत से जीते आप लोग, एक तरफा जीते आप लोग, तो मुझे समझ नहीं आता कि जो चेहरे खिलने चाहिए चुनाव जीतने के बाद में, जो खुशियाँ मनानी चाहिए थी देश के अंदर देशवासियों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर पेंशन क्यों लग गया, ये एक खोज का विषय है और रिसर्च का विषय, हुआ क्या, हुआ क्या है, इतनी बड़ी जीत साफ कर दिया आपने, 25 में 25 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई, कई राज्यों में स्थिति बनी, पर मुझे समझ में नहीं आता कि उस खुशियों का मना क्यों नहीं पा रहे हो, मना क्यों नहीं पा रहे हो, आपको किस बात का, कौन से अपराध बोध से ग्रसित है देश, देशवासी, प्रदेशवासी, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, ये समझ के परे हैं, इतनी बड़ी जीत और कोई चेहरे पर रौनक नहीं, समझ नहीं आता है। तो ये जो है स्थिति बनी है, सेंट्रल शेयर कम हो गया हमारा, बहुत दुर्भाग्य की बात है। 14 में वित्त कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन, वित्त कमीशन ने, वित्त आयोग ने, अध्यक्ष महोदय डिवोल्यूशन फंड की बात की थी कि 32 की जगह 42 मिलेगा, हम बड़े सब खुश हो गए कि राज्यों को हिस्सा मिलेगा, पर केंद्र सरकार ने चालाकी करी, 42 पेंडिंग को करना पड़ा कागजों के अंदर, बाकी जो स्कीमें थी जितनी भी, जो 90% हिस्सा मिलता था केंद्र का, 10% होता था राज्यों का, कई 75-25 होता था, उन सबको उल्टा कर दिया, तो हमारे लिए तो वही बात है जो पहले होती थी, तो आप सोच सकते हो। इसीलिए मनमोहन सिंह जी के वक्त में जब आपकी सरकार थी, वसुंधरा जी अभी है नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, वरना मैं उनको पूछता कि आप बताइए कि जब एक बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, जब आप सरकार में थी 5 साल, उस वक्त आप ज़्यादा कंफर्टेबल थी, सहयोग के रूप में केंद्र से आपको सहयोग मिल रहा है, केंद्र सहायता मिल रही है, या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आप 5 साल रही हो अभी हाल ही में, तब आप कंफर्टेबल थी, मैं जानने का इच्छुक हूँ, और वो है नहीं, कृपा करके मेरी मदद करें। कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर, दिल बड़ा होना चाहिए शासन करने वाला का, और उसी रूप में जब वाजपेयी जी थे, मुझे याद है अकाल चुका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पड़ गया, आप लोग खूब बदनाम करते थे कि कांग्रेस आती है अशोक लोग आता है, अकाल पड़ते ही पड़ता है। अभी मैंने शुरुआत में मानसून की बदई इसीलिए दी है, आपके मुंह पे ताले लग गए हैं, ताले लग गए आप सबके मुंह पे, बोला फिर आप कहते हैं कांग्रेस सरकार आई है अशोक गहलोत आया है, अकाल पड़ गया। तो श्रीमान जी आपके लिए विशेष
कि किस प्रकार से आप लोग जुमले बोलते थे उस वक्त में, परंतु वाजपेयी थे। हमें आगे कहा अकाल बहुत भयंकर है, मीटिंग बुलाई उन्होंने, हमें सेव किया गेहूँ को, गेहूँ के रूप में हम बोल नहीं सकते। राजस्थान के घर घर में गेहूँ पहुँच गया, इतनी बोरी इकट्ठी हो गई, काम के बदले अनाज, निजी काम, निजी कुएं, निजी कुंड, निजी मकान बनाओ, गेहूँ ले जाओ। गेहूँ मेरे घर तो पैदा हुआ नहीं था, सरकार आपकी थी, वहाँ हमें सहयोग मिला, फिर भी भिखारी करवाया वहाँ पर। आप लोगों ने सलाह दी होगी वसुंधरा जी को कि आप क्या सब काम लेना है, आप तो एडवाइजर हैं उनके, एडवाइजर थे आप तो बस। तो जिस रूप में कहा गया हमारे बारे में, हम तो सहयोग लेने गए थे, सहयोग मिला भी था, और राजस्थान में शानदार प्रबंधन ऐसा किया है, पूरे देश के लोग एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में चार अकाल लगातार पड़े और शानदार प्रबंधन हो सब।